हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद एनी। स्टडी विद एनी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे 64th बीपीएससी का मॉडर्न इंडिया का क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने इससे पहले नहीं देखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो मैं सीरीज़ बना रही हूँ, तो वो आप लोग प्लीज़ देख लीजिए। 63rd का ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है एंड 64th का जो पार्ट वन है वो भी मैंने अपलोड कर दिया है। ठीक है, सो दिस द पार्ट टू, सो लेट्स बिगिन। सो इट विल कंसिस्ट ऑफ 28 क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें से आपका बिहार भी इंक्लूड रहेगा। थोड़ा बाइफर्केशन देख लेते हैं। देखिए, एंशियंट का 6 क्वेश्चन आया था, मिडेवल का 6 क्वेश्चन, मॉडर्न इंडिया का 28, जिसमें से बिहार भी इंक्लूडेड है, और यही है आपका टोटल बाइफर्केशन 40 क्वेश्चंस का 64th बीपीएससी का। ठीक है, सो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ रीज़न फॉर मेकिंग द सिपॉयज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी रेबेलियस। ठीक है, मतलब यहाँ पे बोला है नॉट द रीज़न। ओके, थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। ऑप्शंस है द एफर्ट ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी, द ऑर्डर टू द सिपॉयज टू ट्रेवल ऑन शिप्स, द स्टॉपेज ऑफ भट्टा, द इनएफिशियंसी ऑफ द ऑफिसर्स, नन ऑफ द एवव या मोर देन वन। तो इसका सही आंसर जो है वो डी, द इनएफिशियंसी ऑफ द ऑफिसर्स। बाकी सारा कारण, जो सारा रीज़न है वो सही है, मतलब सिपाही लोग को रेबेलियस बनाने में ईस्ट इंडिया कंपनी का कौन सा हाथ नहीं था, ये सारे हाथ था। ठीक है, मतलब कारण थे। क्वेश्चन नंबर टू, अबाउट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर इट वॉज सेड दैट हिज एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम चांदनी चौक टू पालम, दिल्ली टू बिहार, पेशेवर टू बिहार, पेशेवर टू वाराणसी, नन ऑफ द एवव या मोर देन वन। एक तो बात है कि बहादुर शाह जफर के टाइम में ऑलरेडी वो पेंशनर बन चुके थे। ठीक है, सहालम टू के टाइम से ही पेंशनर चल रहे थे। ओके, तो इसलिए इसका आंसर नन ऑफ द एवव दिया था, मीन्स वो दिल्ली का आसपास ही था, उनका एम्पायर बोल के कुछ चीज़ था नहीं, वो ब्रिटिश लोग के अंडर में ही थे, इसलिए इसका आंसर जो है ना बीपीएससी ने नन ऑफ द एवव या ये वाला ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर जो ई है। ठीक है, चांदनी चौक टू पालम नहीं दिए हैं ये नन ऑफ द अबव, क्योंकि ऑलरेडी सबमिट कर चुके थे वो लोग, ब्रिटिशर्स के अंडर में ही थे शाह आलम टू के बाद से सब। ठीक है, टाइम से ही। क्वेश्चन नंबर थ्री, हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट रेबल अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज कंट्रोल ओवर देम। इनमें से कौन सा स्टेट है जो स्टेट हेड थे जिन्होंने रेबल नहीं किया था, ठीक है, विरोध नहीं किए थे। ऑप्शन है राजा ऑफ विजयनगरम, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, पॉलीगर ऑफ तमिलनाडु, दीवान वेल्लू थम्पी ऑफ ट्रेवेंकोर, या नन ऑफ द एवव या मोर देन वन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निज़ाम ऑफ हैदराबाद। ठीक है, ऑलरेडी सब्सिडरी अलायंस उन्होंने साइन कर लिया था पहले ही। ठीक है, मतलब फर्स्ट स्टेट था जो निज़ाम जो हैदराबाद के, कि उन्होंने सब्सिडरी अलायंस साइन किया था। अभी हम ये सब डिस्कस नहीं करते हैं, जस्ट ऑप्शंस बताते हैं और थोड़ा सा खाली हिंट देते हैं, बाकी हम लोग पूरा जब थ्योरी क्लासरूम सेशंस करेंगे सारे आप लोग का डाउट्स क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडिगो रेबेलियन वॉज अबाउट। क्वेश्चन ऑप्शन से आपका, द पीजेंट नॉट वॉन्टिंग टू ग्रो इंडिगो बट बींग फोर्स टू, बोल रहा कि नील विद्रोह का कारण क्या था। ठीक है, किस लिए हुआ था इनमें से, द पीजेंट वॉन्टिंग टू ग्रो इंडिगो बट बींग फोर्स नॉट टू, द पीजेंट नॉट वॉन्टिंग टू ग्रो इंडिगो बट बींग फोर्स टू ग्रो एट अ प्राइस दैट वॉज अनएक्सेप्टेबल। ये आंसर आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, कुछ कुछ क्वेश्चंस जो 64th बीपीएससी में आया था, करीब आपका 10 क्वेश्चन करीब, कि एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, थोड़ा सा ट्रिकी बना दिया गया था, मतलब आपको पढ़ के स्टेटमेंट्स जो था वो समझना पड़ेगा, एनालाइज करके आपको उसका आंसर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग को थॉरली पढ़ना है, बस हम लोग एक आइडिया ले रहे हैं किस तरह का क्वेश्चन आता है, तो हम लोग उस तरीके से प्रिपरेशन अपना कर सके। ओके, क्वेश्चन नंबर फाइव, द इमीडिएट कॉज ऑफ डेक्कन रायट्स ऑफ 1875 वॉज। ऑप्शन है शेडो ऑफ फर्मीन, हाई इंटरेस्ट रेट्स चार्ज बाय महाजन्स, हाई लैंड रेवेन्यू रेट्स, प्रोटेस्ट अगेंस्ट इम्पोजिशन ऑफ रिलीजियस रिफॉर्म, नन ऑफ द अबव या मोर देन वन। इसका सही आंसर है शेडो ऑफ अ फर्मीन। डेक्कन रायट्स जो हुआ था वो एकदम सूखा पड़ने के कारण हुआ था, और इसी के चलते जो एग्रीकल्चर है उसमें बहुत प्रॉब्लम आ गई थी, दैट्स वाई। क्वेश्चन नंबर सिक्स, रजनी पाम दत्त वॉज सेड, रजनी पाम दत्त सेड दे बोथ फॉट एंड कोलाबोरेटेड विद इम्पीरियलिज्म, विच पोलिटिकल ग्रुपिंग वॉज ही रेफरिंग टू।
ऑप्शंस हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, द स्वराज पार्टी, द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन और नन ऑफ द अबव या मोर देन वन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ नेशनलिस्ट न्यूज़ पेपर। ऑप्शन है द हिंदू, द हिंदू, बंगाली, द महारथा, द टाइम्स ऑफ इंडिया, नन ऑफ द अबव या मोर देन वन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, द टाइम्स ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो फॉर प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकितवाड़ी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदया सान सभा। ठीक है, इसमें से आपको सीक्वेंस वाइज बताना होगा कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, देखिए इस तरह का क्वेश्चंस में ना, अगर दो भी आपको याद रहे, दो तीन, अगर टोटल चार या पांच जो भी दे रहा है अगर नहीं है तो भी आप मैच करके मतलब ऑड वन को आप बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, स्ट्राइक आउट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग कोशिश करते हैं। देखिए क्या क्या आपको देखिए, प्रार्थना समाज जो है वो आत्माराम पांडुरंग का होता है। ठीक है, यंग इंडिया जो है वो महात्मा गांधी का है। तो देखिए इस तरह का क्या है कुछ, प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडुरंग, देखिए यहाँ पे दोनों ऑप्शंस में दिया हुआ है बी एंड सी। सो पहले देखते हैं बी ऑप्शन, फिर सेकेंड वाला है यंग इंडिया, महात्मा गांधी। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका मेरे ख्याल से बी होना चाहिए। ठीक है, यस, द करेक्ट आंसर इज बी। सो मोहनदास करमचंद गांधी, देन आपका लोकितवाड़ी जो है गोपाल हरिदेशमुख का था, और आपका सत्यशोधक समाज जो है वो ज्योतिबा फुले, एंड रहनुमाई मजदयासन जो सभा है वो आपका नरोजी फुरदौन जी का था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो फाइंड द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द नेम्स ऑफ एडिटर्स ऑफ द नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर, द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक। तो चलिए हम लोग देखते हैं, केसरी सबको पता है ये बाल गंगाधर तिलक का है, सेकंड ऑप्शन। लेकिन यहाँ पे भी देखिए सी एंड डी, मतलब आपको एक से काम नहीं चलेगा, और एक आपको ढूंढना पड़ेगा, और एक आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो बंगाली जो है वो है आपका सुरेंद्रनाथ बैनर्जी का। ठीक है, तो इससे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो डी ऑप्शन के लिए क्या होता है, हिंदू जो है द हिंदू जी सुब्रमण्य अय्यर का, केसरी इस बंगाल, केसरी हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक, फिर बंगाली हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, हिंदुस्तानी हो जाएगा आपका गंगा प्रसाद वर्मा, एंड सुधारक हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, चलिए ये आपका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। बाल गंगाधर तिलक केम टू बी नोन एज लोकमान्य तिलक व्हेन, लोकमान्य तिलक कब उनका नाम पड़ा था। ऑप्शन है, ही बिकेम अ पॉपुलर टीचर, ही स्टार्टेड अ पॉपुलर न्यूज़पेपर, द गवर्नमेंट अक्यूज्ड हिम इन द रैंड मर्डर केस, ही स्टार्टेड द शिवाजी एंड गणपति फेस्टिवल्स या नन ऑफ द अबव या मोर देन वन। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, हाउ ओल्ड वॉज भगत सिंह व्हेन ही थ्रू अ बॉम्ब इन द असेंबली इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ऑप्शन है 21 ईयर्स, अ लिटिल मोर देन 21 ईयर्स, 25 ईयर्स, अ लिटिल मोर देन 25 ईयर्स, या नन ऑफ द अबव या मोर देन वन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लिटिल मोर देन 21 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 12, द जालियनवाला बाग मैसेकर हैपेंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच गांधीयन सत्याग्रह। ऑप्शन है स्वदेशी सत्याग्रह, रॉलर्ट सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह, इंडिविजुअल सत्याग्रह, या नन ऑफ द अबव या मोर देन वन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रॉलर्ट सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर थर्टीन, वेयर डिड कुंवर सिंह ज्वाइन द रिबेलियन ऑफ 1857 अगेंस्ट द ब्रिटिश। ऑप्शन से आरा, पटना, बेतिया, वाराणसी, या नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है, हम सबको पता है, आरा। क्वेश्चन नंबर 14, इन विच टेरिटरी डिड ट्राइबल्स रिबेल अगेंस्ट द ब्रिटिश। ऑप्शन से बिहार, पंजाब, सिंध, काठियावाड़, नन ऑफ द अबव। तो देखिए पहले तो झारखंड एंड बिहार एक ही था, तो
जो रेबेल्स जो ट्राइबल बोल रहे हैं वो झारखंड का अभी पोर्शन जो है वहाँ ले सकते हैं हम लोग देख सकते हैं, लेकिन तब बिहार का ही पार्ट था। तो ये ऑप्शन बी सॉरी ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, बिहार। क्वेश्चन नंबर 15, सो ऑलवेज विद द एसेंट एंड ऑफन टू द डिक्टेट्स ऑफ द चेंबर ऑफ कॉमर्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कैरिड ऑन एंड दिस इज द व्हाइट मैंस बर्डन, हु सेड दिस। ऑप्शन से बंकिम चंद्र चैटर्जी, महात्मा गांधी, सचिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, ननौत देवम। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सचिदानंद सिन्हा। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ महात्मा गांधी इन इंडिया। ऑप्शन से अहमदाबाद, बारदोली, चंपारण इंडिविजुअल और ननौत देव। करेक्ट आंसर इज सी, चंपारण। क्वेश्चन नंबर 17, गांधीजीज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अर्ज्ड पीपल टू अवॉइड अल्कोहल, दिस रिजल्टेड इन अ सीरियस लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट ऑफ अ प्रोविंस सर्कुलेटेड अ लिस्ट ऑफ प्रोमिनेंट इंडिविजुअल्स हु ड्रैंक अल्कोहल एज अ डिवाइस टू परसुएड पीपल टू स्टार्ट ड्रिंकिंग अगेन, नेम द प्रोविंस। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बिहार, बॉम्बे, गुजरात, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज बिहार। बोल रहे हैं कि गांधी जी का जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था उस समय गांधी जी ने एक सबको अनुरोध किए थे कि शराब नहीं पीने को। तो इससे क्या हुआ था कि कोई एक प्रोविंस था, उस प्रोविंस का पूरा मतलब स्टेट का जो रेवेन्यू था वो कम हो गया था। इसलिए क्या किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जो जो शराब पीते हैं उनका एक लिस्ट बनाए थे कि उन लोगों को रिक्वेस्ट किया जाए कि आप लोग शराब पीजिए। ठीक है, सोचिए कौन सा स्टेट है ये, बिहार। क्वेश्चन नंबर 18, कितना डेप्थ से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सो आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 18, ड्यूरिंग सॉल्ट सत्याग्रह इन बिहार, इन एडिशन टू मेकिंग सॉल्ट द पीपल चूज टू अपोज द गवर्नमेंट बाई अपोजिंग विच टैक्स। जब सॉल्ट सत्याग्रह हो रहा था तो बिहार में नमक बनाने के बावजूद कौन सा टैक्स के लिए अपोज किए थे, मतलब रिवोल्ट किए थे। ऑप्शन है चौकीदारी टैक्स, हाथी डेवलपमेंट, मालवा, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, चौकीदारी टैक्स। क्वेश्चन नंबर 19, द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ बिहार रिजाइंड इन फेब्रुवरी 1938 फॉर विच रीजन। ऑप्शन है पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिया इन वॉर, सत्याग्रह अगेंस्ट ब्रिटिश एट द कॉल ऑफ गांधी, हाई टैक्सेस बीइंग इम्पोज्ड बाय द ब्रिटिश, फॉर द रिलीज ऑफ पोलिटिकल प्रिजनर्स, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फॉर द रिलीज ऑफ पोलिटिकल प्रिजनर्स। क्वेश्चन नंबर 20, हु वॉज कनेक्टेड विद द बिहार किसान सभा। देखिए या ये आंसर ना क्या है कि सभी लोग थे, स्वामी सहजानंद जो लीडर थे, ठीक है इसका, और बाकी जो भी थे ये कार्यानंद शर्मा, राहुल संकृत्यान, फिर यदुनंदन शर्मा, सारे जो थे ये सबको ही थे, इसलिए मोर देन वन। क्वेश्चन 21, हु बिगेन द फैराजी मूवमेंट। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाजी सरियातुल्ला। क्वेश्चन नंबर 22, हु रोट द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। सही आंसर है दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 23, When were the rights of the tenants on land in Bengal and Bihar recognized by the Bengal Tenancy Act? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1885 में बंगाल टेनेंसी एक्ट के अंदर में बिहार एंड बंगाल का जो टेनेंट्स है उनको लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 24, when did Bihar become a separate province in India? देखिए इस क्वेश्चन का तो थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्सी है क्योंकि बिहार पूरा पूरी जो हुआ था वो आपका 1912 में नहीं हुआ था। ठीक है ना, तो आपका आप लोगों को सभी को पता है, लेकिन इसका जो आंसर दिया है 1912 में बिहार एंड ओडिशा बंगाल से अलग हुए थे, और 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक्ट था उसके थ्रू वो अलग हुए थे, मतलब ओडिशा का भी एक अलग प्रोविंस बना था एंड जाके बिहार का भी बना था। तो इसमें नन ऑफ द अबव होना चाहिए, लेकिन आंसर जो दिया है आंसर की में, ऑफिशियल आंसर की में 1912 दिया है, बट ये होना चाहिए ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, हु इनवाइटेड गांधी जी टू चंपारण।
करेक्ट आंसर है राजकुमार शुक्ला. क्वेश्चन नंबर 26, हु रेज द फ्लैग फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंस एट द कांग्रेस सेशन ऑफ 1929. ये करेक्ट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू. क्वेश्चन नंबर 27, व्हेन वाज द बिहार सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म्ड. करेक्ट आंसर इज 1934. क्वेश्चन नंबर 28, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ द फर्स्ट कांग्रेस मिनिस्ट्री इन बिहार. आंसर है इसका करेक्ट आंसर श्री कृष्ण सिन्हा. ठीक है, मोहम्मद यूनुस नहीं होगा इसलिए क्योंकि ये जो कांग्रेस मिनिस्ट्री का जो उन्होंने 3 महीना चलाए थे लेकिन वो मेजोरिटी प्रूफ नहीं कर पाए थे. ठीक है ना, इसीलिए फर्स्ट कांग्रेस मिनिस्ट्री अगर ऑफिशियली देखा जाए तो वो श्री कृष्ण सिन्हा ही होगा आंसर. ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का 64th का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हिस्ट्री का वो हमने कंप्लीट कर दिया. इसके बाद 65th बचता है. 65th होने के बाद ही क्लासरूम सेशन स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, हम लोग मॉडर्न इंडिया से स्टार्ट करेंगे. एक इंट्रोडक्शन क्लास होगा, उसके बाद मॉडर्न इंडिया हम लोग स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. शेयरिंग इज़ केयरिंग, यू न्यू इट. सो स्टे कनेक्टेड. बहुत जल्दी आ जाएगा जो नेक्स्ट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो 65th इस बार जो हुआ है वो बचा है. तो स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू. बाय बाय. साइनिंग ऑफ. टेक केयर.